अब यूपी के बाराबंकी से सुवक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दे चले। रसौली प्रतापगंज के बीच मोड़ के तेज रफ्तार में दो पहिया वाहन ने डिवाइडर तोड़कर बाइक सवार युवक को माई जोड़ा टक्कर। फिलहाल मौके पर एक की हुई मौत बल्कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको ट्रामा सेंटर के लिए पुलिस ने भेजा। फिलहाल ग्रामीणों की माने तो पुलिस ने ड्राइवर को जानबूझकर भगा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हो सिर्फ डीएस न्यूज पे। फिलहाल पूरा मामला समझने के लिए हमारे दिनेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट में समझते हैं ग्रामीणों ने क्या जानकारी दी। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ है ये मतलब क्या जगह है, जगह का क्या स्थान? ये जगह का नाम तलहा है, रसौली मोड़। रसौली, आप मौके पर थे? जी, मौके पे बगल में था, मैं अपने खेत में था। आपने क्या देखा, एक्सीडेंट कैसे हुआ? कि ये गाड़ी जो बड़ी थी ये उधर से नोएडा से जाके ये फैजाबाद जा रही थी और उधर से डिवाइडर क्रॉस करके बड़ी सी में 130-120 की स्पीड थी इनकी और ये डिवाइडर क्रॉस करके इस साइड आ गए और इस साइड आने के बाद इन्होंने दो मोटरसाइकिल को मारा, जिसपे एक मोटरसाइकिल पे दो लोग बैठे थे और एक मोटरसाइकिल पे सिंगल आदमी था, जबकि वो सिंगल आदमी बच गया और जो दो थे एक मोटरसाइकिल पे वो एक मर गया और ऑन स्पॉट मर गया और दूसरा वो बच गया, जिसे आपने हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया बाराबंकी ट्रीटमेंट के लिए। लोग बता रहे हैं जो दो सवार थे वो भाई भाई थे? जी, भाई भाई थे, दरियाबाद के ही रहने वाले। हालांकि वो पूरी अच्छी तरह से डिटेल नहीं बता पाए, इसलिए क्योंकि मौके पे पूछना भी ठीक नहीं था, क्योंकि इसका भाई का जो एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा बच गया था, इसलिए उससे ज़्यादा हमने पूछा नहीं। ये दरियाबाद के रहने वाले। अच्छा, जो फोर व्हीलर आ रही थी आपको क्या आइडिया लग रहा है क्या स्पीड रही होगी इसकी? ये करीब 120-130 की स्पीड। अपने साइड से पूरा डिवाइडर क्रॉस करके इस पार आ गई? डिवाइडर क्रॉस करके इस साइड आए। धन्यवाद।